ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता थारोपाध्याय 10 अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है 29। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोले हैं, ठीक है, भगवान के शब्द हैं, बिल्कुल सरल हैं, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है। अनंतश्चास्मि नागानाम्, सब लोग अनंतश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामः। पितृणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामः। सब लोग बोलिए, भगवान के शब्द बहुत सरल है, अपना मुंह पवित्र होगा, भगवान के शब्दों को बोलने से अपना मुंह पवित्र होगा और सुनने से कान पवित्र होंगे। अगर ना भी समझ में आए तो भी बोलना है, सुनना है, कान पवित्र होते हैं, अगर समझ में आएगा तो मन भी पवित्र होगा, लेकिन समझ में नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है तो भी सुनने से कान पवित्र होते हैं, मुँह बोलने से मुँह पवित्र होता है, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। अनंतश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामः पितृणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामः। अनंतश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामः पितृणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामः। अनंतश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादसामः पितृणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामः। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए, ये सब पंखे बंद कर दीजिए, पंखों की आवश्यकता नहीं है, जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद कर दीजिए। गार्ड कहाँ है सर, गार्ड कहाँ है, गार्ड सब पंखे बंद कर दीजिए, जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद, पंखे बंद कर दीजिए। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें, अनंतः, आप सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, अपना ही मुंह पवित्र होगा, आपका मुंह अपवित्र होता है, कितने गंदे शब्द बोलते हो, भगवान के मुंह से शब्द बोलोगे, अपना मुंह पवित्र नहीं करना चाहते। सब लोग बोलिए, अनंतः अनंत च भी अस्मि हूँ नागानाम फणों वाले सर्पों में वरुण जल के देवता यादसाम समस्त जलचरों में अहम मैं हूँ पितृणाम पितरों में अर्यमा अर्यमा च भी अस्मि हूँ यमः मृत्यु का देवता संयमता समस्त नियमनकर्ताओं में अहम मैं हूँ। अनुवाद मेरे पीछे बोले, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। इस श्लोक में भगवान जो है अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
ये पूरा अध्याय किसी प्रकार का है कि भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं, इतना प्रत्यक्ष है भगवान, बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं, है ना। दूसरे श्लोकों में कहीं दूसरे अध्याय में भगवान जो है सह शब्द का प्रयोग करें कि वो परमेश्वर है ना, तो स्पष्ट पता नहीं चलता कि कौन परमेश्वर है। इस अध्याय में भगवान अहम शब्द का प्रयोग बहुत कर रहे हैं, जैसे पता चलता है कि वे ही श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। यहाँ पर कोई बात घुमाई नहीं जा रही, बिल्कुल सीधे हैं भगवान बोल रहे हैं कि मैं अहम, है ना। इसमें भगवान ने कहा अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादस्ताम अहम, पितृनाम अर्यमा चास्मि यमा संयमताम अहम, है ना। तो इसमें चार विभूतियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। पहली विभूति क्या है, अनंतहा, अनंत, अनंतश्चास्मि नागानां, नागों में अनंत, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था सर्पों में वासुकी, सर्पों में वासुकी, है ना, और नागों में भगवान करे अनंत। तो नागों में भगवान की विभूति कौन है, अनंत, और जलचरों में भगवान की विभूति कौन है, वरुण देवता, है ना, और पितरों में भगवान की विभूति कौन है, अर्यमा, और जो नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करने वालों में भगवान की विभूति कौन है, यमराज, यमराज नियंत्रित करते हैं, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक क्षणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है, ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं किंतु उनमें यमराज प्रमुख है, दुष्टों को दंड देने में यमराज प्रमुख है, है ना। क्योंकि दुष्ट वे होते हैं जो बातों से नहीं मानते, उनको दंड ही मिलना चाहिए, समझाने से नहीं समझते, है ना, तो उनको दंड मिलना चाहिए। तो यमराज जो है ऐसे हैं जो नियंत्रित करते हैं दुष्टों पर, नियंत्रण करते हैं दंड के द्वारा, उनको नियंत्रित करते हैं, है ना। तो हाँ, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुष्टों को जो दंड देते हैं उनमें यमराज प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं, मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा हमें इसकी कैसी व्याख्या हुई है, और बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 34 विभूतियों का वर्णन किया है। 20वें श्लोक से शुरू किया था भगवान ने और ये 29वां श्लोक है, तो 9 श्लोक। तो इसके पहले श्लोक था 28वां, तो 8 नहीं, उसमें 20 से लेके 28वें श्लोक तक 9 श्लोक हुए, तो 9 श्लोकों में 34 विभूतियों का वर्णन भगवान कर चुके हैं। अब अर्जुन के मन में प्रश्न था कि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि सर्पों में वासुकी उनकी विभूति है, परंतु शेष जी के विषय में श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बताया, है ना। अर्जुन के मन में ये विचार आया कि सर्पों में तो भगवान ने वासुकी सर्प को विभूति बताया, है ना, तो शेष नाग क्या सर्प नहीं है, तो भगवान जो है शेष नाग के बारे में फिर कुछ विशेषता बताएंगे, शेष नाग की भी कुछ विशेषता है। तो अर्जुन के मन में ये जो है प्रश्न उठा, तो अनंत शेष की महिमा तो अपार है, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में अनंत शेष किस विषय में उनकी विभूति हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि अनंत शेष नागों में श्री कृष्ण की विभूति है, वासुकी सर्प है और अनंत शेष नाग है, इसलिए अक्सर शेष नाग कहा जाता है, शेष नाग, है ना, और वासुकी सर्प है, सर्पों के राजा वासुकी हैं और नागों में शेष नाग, तो नाग और सर्प, है ना, तो ये अंतर है
शेषनाग ना। तो सबसे पहले क्या है, श्री कृष्ण कह रहे हैं नागों में अनंत शेष विभूति है, नागों में विभूति कौन है, अनंत शेष। अनंत शेष महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि कश्यप मुनि ने जिस समय अपनी पत्नी कद्रु से अपने इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। सुन रहे आप लोग, आपस में बातें नहीं, हे भाई साहब आपसे बोल रहा हूँ, आपस में बातें नहीं है ना, आपस में बातें करना तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी जो है लज्जा की बात है कि आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, है? जबकि यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है ना। तो कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी कद्रु से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। किसने? कश्यप मुनि ने। किससे कहा? कश्यप मुनि ने किससे कहा? अपनी पत्नी कद्रु से। क्या कहा? इच्छानुसार वर मांग लो। कश्यप जी ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा इच्छानुसार वर मांग लो, है? तो उस समय कद्रु ने तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा कि मुझे 1000 नाग चाहिए पुत्र के रूप में, है ना। तब कद्रु ने 1000 अंडे दिए, कद्रु ने 1000 अंडे दिए और दासियों ने प्रसन्न होकर अंडों को गर्म पात्रों में रख दिया। 500 साल तक वो अंडे पड़े रहे पात्र में। कितने साल तक? 500 साल तक वे पात्रों में पड़े रहे। तब 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर निकल आए और उन नागों में अनंत से सबसे बड़े। तो कैसे जन्म हुआ नागों का, हैं? तो अनंत से सबसे बड़े है ना, 1000 कद्रु के 1000 पुत्र हुए हैं नाग, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नागों में अनंत शेष श्री कृष्ण की विभूति हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 36 में वर्णन आता है कि जिसमें अनंत शेष ने देखा कि उनकी माता कद्रु और उनके सभी सर्प भाई बहुत ईर्ष्यालु हैं। अनंत शेष जो है इतने शांत स्वभाव के थे कि उन्होंने क्या देखा कि माता भी जैसी माता वैसे हमारे भाई हैं, सब कैसे हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव की। कद्रु माता भी ईर्ष्यालु स्वभाव की है और उनके 999 पुत्र भी ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। तो वो जब ये देखते हैं तो उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी, है ना। असत संग त्याग ए वैष्णव, चाहे अपनी माता ही क्यों ना हो, शेष जी ने अपनी माता का भी त्याग कर, असत संग वैष्णव का ही आचरण है, असत संग त्याग करना चाहिए, है ना। अपनी माता का भी त्याग कर दिया और अपने 999 छोटे भाइयों का भी त्याग कर दिया और क्या करते हैं, हाँ, कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते थे। क्या पी के रहते थे? वायु पी कर रहते थे। अपनी इंद्रियों को बस में करके शेष जी गंधमादन पर्वत पर गए। कहाँ पर गए? गंधमादन पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने लगे। उसके बाद गोकर्ण तीर्थ में आए, पुष्कर तीर्थ में आए, हिमालय में आए और एकांतवास किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग घोर तप कर रहे हैं और शरीर का मांस और त्वचा और नाड़ियाँ भी सूख गई हैं। सिर पर झटा और शरीर पर मलकल वस्त्र धारण किए हुए मुनि वृत्ति से रहते हैं, उनमें सच्चा धैर्य है और निरंतर तपस्या में लगे हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष तुम ये क्या कर रहे हो? किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, शेष तुम ये क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। शेषनाग तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वो मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय शेष जी बोले, मेरे सभी सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे का दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या में लग गया। शेष जी ने कहा, किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा, जिससे मैं उन्हें ना देख सकूं। मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि उनको देखूं नहीं। वे बिन्ता माता से और उनके पुत्रों से ईर्ष्या करते हैं। बिन्ता भी तो
कश्यप की पत्नी है, है ना। तो मेरे माता अपनी सौत भिन्नता से भी ईर्ष्या रखती हैं, हैं, और मेरे जो भिन्नता के पुत्र हैं उनसे भी ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा को सहन नहीं कर पाते हैं। आकाश में विचरने वाले भिन्नता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई हैं, किंतु ये नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। इन सभी कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। श्री जी कहते हैं कि माता को नहीं देखना चाहता, ना अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, जिससे मरने के बाद किसी भी तरह इन दुष्टों के साथ मेरा समागम ना हो। उस समय ब्रह्मा जी बोले, शेष मैं तुम्हारे सभी भाइयों की कुचेष्टा को जानता हूँ, तुम्हें जो अभीष्ट हो वो वर मुझसे मांग लो, तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में ही हमेशा बनी रहे। उस समय अनंत शेष ने कहा, हे देव, मैं आपसे ही वर मांगता हूँ कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह और तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष नाग, पर्वत, वन, सागर और नगरों सहित यह पृथ्वी सदा हिलती रहती है, तुम इसे भली भांति धारण करो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ और ये पृथ्वी स्वयं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से अनंत शेष अपने हजार फणों में से किसी एक फण पर समूची पृथ्वी को धारण करते हैं। अब समझने की बात यह है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण सर्पों में अपनी विभूति वासुकी को बताया था, और इस श्लोक में श्री कृष्ण नागों में अपनी विभूति अनंत शेष को बता रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो सर्पों और नागों में क्या अंतर है? एक दृष्टि से देखा जाए तो सर्पों और नागों में कोई अंतर नहीं है। सर्पों में भी एक फण वाले और कई फणों वाले होते हैं, और नागों में भी एक फण वाले और कई फणों वाले होते हैं, परंतु यहाँ पर सर्पों और नागों में जो अंतर समझ में आता है वो ये है कि नागों का शरीर अत्यंत विशाल होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नागों में अर्थात विशाल शरीर वाले सर्पों में अनंत शेष उनकी विभूति हैं। अनंत शेष का शरीर इतना विशाल है कि संपूर्ण पृथ्वी उनके हजार फणों में से किसी एक फण पर सरसों के दाने के समान रखी है। अनंत शेष कितने, उनका शरीर कितना बड़ा है, उनके हजार फणों में से एक फण पर पूरी पृथ्वी सरसों के दाने के समान रखी है। तो सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ हैं, परंतु विशाल सर्पों में अर्थात नागों में शेष जी श्रेष्ठ हैं। भागवत के पांचवें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है कि पृथ्वी के पाताल लोक से 360,000 किलोमीटर नीचे अनंत शेष के हजार फणों में से एक फण पर संपूर्ण भूमंडल सरसों के दाने के समान स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी शेष जी के फण की तुलना में नगण्य है। संपूर्ण पृथ्वी शेष जी के फण की तुलना में नगण्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विशाल सर्पों में अर्थात नागों में शेष जी उनकी विभूति है। अब दूसरी बात भगवान कहते हैं कि समस्त जलचरों में मैं वरुण हूँ। कौन है? वरुण है। भागवत 6:39 में बताया गया है कि कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से जिन 12 आदित्यों का जन्म हुआ था उनमें से 9वें पुत्र वरुण है। 12 पुत्र थे अदिति के, तो 9वें पुत्र वरुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त जलचरों में वरुण देवता उनकी विभूति हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 28 में वर्णन आता है कि एक बार नंद महाराज ने एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन, उन दिनों घड़ी की सुविधा ना होने के कारण नंद महाराज को पता नहीं चला कि रात्रि का समय था, और उन्होंने रात्रि का अंत समझकर यमुना जी में प्रवेश किया। अभी तो घड़ी से पता चल जाता है, घड़ी में, घड़ी के अनुसार
3:22 पर रात्रि का अंत होता है। तो 3:22 के बाद जो है, अगर यमुना जी में कोई प्रवेश करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3:22 से पहले यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो उसमें वरुण के जो अनुचर होते हैं वो यमुना जी में विहार करते हैं तो उनका अपराध होता है। और नंद महाराज को पता नहीं था, घड़ी तो थी नहीं, अब रात के 3:22 अभी हुए नहीं हुए कैसे पता चले, रात्रि का अंत निशांत काल जो होता है वो 3:22 से 5:46 तक चलता है निशांत काल, ये रात्रि का अंत 2 घंटा 24 मिनट का ये समय होता है निशांत काल, रात्रि समाप्त होती है वो समय 2 घंटा 24 मिनट का होता है ना। आजकल घड़ी है तो घड़ी में हम लोग देख सकते हैं 3:22 के बाद अगर यमुना जी में स्नान करने जाओ तो कोई अपराध नहीं होगा। ये नंद महाराज के पास घड़ी नहीं थी तो क्या करते बेचारे, रात्रि का अंधकार तो होता ही है ना, तो वो जो है वो निशा काल में ही यमुना जी में प्रवेश कर गए, स्नान की निशा काल में यमुना जी में प्रवेश किया। उस समय वरुण देवता का एक असुर सेवक नंद महाराज को पकड़कर वरुण देवता के निकट ले गया। अब वरुण देवता का लोक जो है जल में है, वरुण देवता का लोक जल में है ना, वरुण देवता के लोक में जाने के लिए है पानी के अंदर अगर कोई प्रवेश करे तो वरुण देवता अगर चाहेंगे तो आप उनके लोक में पहुंच सकते हैं, कहीं भी पानी हो, कहीं भी कुंड हो सरोवर हो, अगर वरुण देवता आपको बुलाना चाहते हैं तो आप उसमें प्रवेश करोगे तो वरुण देवता के लोक में आप पहुंच सकते हैं, अगर वरुण देवता चाहेंगे तो, चाहे समुद्र में आप प्रवेश करो, चाहे किसी सरोवर में, चाहे किसी नदी में, वरुण देवता के लोक में अगर जाना चाहो, वरुण देवता अगर चाहें तो आपको वहाँ से बुला सकते हैं, है ना। नंद महाराज को जो है वरुण देवता का सेवक जो है उनको वरुण देवता के पास ले गया। उस समय सभी ब्रजवासियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण वरुण देव के लोक में पहुँच गए। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी बहुत रो रहे हैं, और श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है, क्या बात है, तो सबने कहा कि नंद महाराज तो जल में डूब गए। तो भगवान जो है जब जल के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि हमारे पिता नंद महाराज पानी में नहीं डूबे हैं बल्कि वरुण देवता के लोक में चले गए। तो भगवान वरुण देवता के लोक में चले गए, है ना, भगवान जो है वरुण देवता के लोक में पहुंच गए। उस समय वरुण देव ने देखा कि श्री कृष्ण उनके लोक में आए हुए हैं, उस समय वरुण देव ने श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया, उन्होंने बहुत प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति की। हे स्वामी, आज मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे जीवन का स्वार्थ पूरा हो गया है। हे श्री कृष्ण, जो लोग आपके चरणों का भजन करते हैं वे इस भवसागर को पार कर लेते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परम ब्रह्म, आपको नमस्कार है, आपके अंदर उस माया का लेश भी नहीं है जो इस जगत की सृष्टि करती है। मेरे एक मूर्ख सेवक ने आपके पिता को यहाँ पर ला दिया, मेरा एक मूर्ख सेवक था तो आपके पिता को यहाँ ले आया। ये सेवक नहीं समझ पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं इस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप अपने पिता से अत्यंत स्नेह करते हैं इसलिए आप अपने पिता को घर ले जाइए। इस प्रकार श्री कृष्ण वरुण देवता पर प्रसन्न हुए और वरुण लोक से नंद महाराज को लेकर ब्रज में वापस आ गए। इस घटना से पता चलता है कि वरुण देवता श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले श्री कृष्ण के भक्त हैं। भागवत के 30 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिस समय हिरण्याक्ष दैत्य अपने समान प्रतिद्वंदी योद्धा को ढूंढता हुआ समुद्र में गया, उस समय वरुण के सैनिक समस्त जलचर भयभीत होकर दूर भाग गए।
इस प्रकार हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तो वरुण लोग जो है समुद्र के अंदर है और उनकी राजधानी विभावरी है, वहां पर पहुंचा। विभावरी वरुण देवता की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों के स्वामी है। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों में गिर पड़ा और उनकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, युद्ध की भिक्षा दीजिए। आपने प्राचीन काल में राजसूय यज्ञ किया था जिसमें आपने सभी लोकों में दैत्यों और दानवों को पराजित किया था। हिरण्याक्ष जो है इस प्रकार वरुण देवता का जो है मजाक उड़ा रहा है कि मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। अत्यंत दम्भी शत्रु के द्वारा उपहास किए जाने पर जल के देवता वरुण को क्रोध तो अवश्य आया, परंतु परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया और उत्तर दिया। गुस्सा तो बहुत आया हिरण्याक्ष ऊपर, लेकिन गुस्से को पी लिया और फिर उत्तर दिया, हे प्रिय हिरण्याक्ष, मैंने इस समय युद्ध करना बंद कर दिया है। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे पुराण पुरुष श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं देखता है जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम्हारे जैसा योद्धा भी प्रशंसा करते हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिर कर चिर निद्रा में सो जाओगे। वरुण देवता ने उससे उसका उपहास किया, तुम्हारी बहुत इच्छा है युद्ध करने की, तो कहाँ जाओ, श्री कृष्ण के पास जाओ, तो क्या होगा, तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और युद्ध भूमि कुत्तों से घिर करके तुम चिर निद्रा में सो जाओ। वरुण देवता ने कहा, तुम जैसे दुष्टों का वध करने और साधुओं पर कृपा करने के लिए वे इस समय वराह रूप में इसी समुद्र के अंदर विराजमान है। इस प्रकार वरुण देव ने हिरण्याक्ष को विश्वास दिलाया कि श्री कृष्ण जो इस समय वराह देव के रूप में प्रकट हुए थे उसकी युद्ध करने की अभिलाषा को संतुष्ट कर देंगे। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि वरुण देवता श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आश्रित भक्त हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जलचरों में वरुण देवता श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब तीसरी बात क्या है, पितरों में कौन, अर्यमा है ना। तो भागवत के पांचवें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में वर्णन आता है कि दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर और पृथ्वी से नीचे नरक लोक और पितृ लोक पास पास। दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर और पृथ्वी के नीचे नरक लोक भी है और पितृ लोक भी है, पास पास है। नरक लोक में प्राणियों को, पापियों को दंड देने वाले शासक यमराज हैं और पितृलोक में पितरों के राजा अरिमा निवास करते हैं। फिर भागवत 1:13-15 के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसमें मांडव्य मुनि के साप से यमराज को विदुर के रूप में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ। मांडव्य मुनि ने साप दिया किसको, यमराज को। क्या साप दिया, आप शूद्र के रूप में जन्म लीजिए। तो विदुर के रूप में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ, उस समय से यमराज को विदुर के रूप में शूद्र का शरीर, उस समय यमलोक में पापियों को दंड देने के लिए अरिमा कार्य करते रहे। अब यमराज साप भोगेंगे तो यमराज के स्थान में कौन रहेंगे, अरिमा। अतएव जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप और अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने ये कार्यभार संभाला। अतः विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालते हुए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। ये बात समझने की है कि पितृलोक और यमलोक में जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के एक महीने के बराबर होता है। हमारे जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं वो उनका
दिन का 12 घंटा होता है, और कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो उनकी रात के 12 घंटे होते हैं पितृलोक में। यदि हम यमराज यमलोक को छोड़कर 100 वर्षों तक विदुर के रूप में पृथ्वी पर रहे तो 100 वर्षों की ये अवधि यमलोक में 3 वर्ष 4 महीने की थी। यहाँ पर यमराज को 100 साल के लिए विदुर के रूप में रहना पड़ा, तो 100 साल तक के लिए यमराज के स्थान में कौन रहे? अरिमा रहे। लेकिन वहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए, वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो कितना समय होगा? अगर यहाँ 100 साल बीतेगा तो वहाँ कितना समय होगा? तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 1 महीना होता है तो वहाँ का 1 दिन होता है, तो एक साल जब यहाँ होगा तो वहाँ कितना समय होगा? 12 दिन होंगे। यहाँ का 1 महीना अगर वहाँ के 1 दिन के बराबर है तो एक साल, यहाँ का 1 साल वहाँ कितने दिन के बराबर होगा? 12 दिन के बराबर होगा। और 100 साल वहाँ के कितने दिन के बराबर होगा? 1 साल 12 दिन के बराबर है तो 100 साल कितना हो, कितने दिन के बराबर हो? इतना सीधा सीधा ऐसा कोई नहीं बता पाया। यहाँ के 1 साल यमलोक के 12 दिन के बराबर है तो 100 साल 1200, सीधी बात है 1200 दिन। और 1200 दिन के अगर साल बनाओगे तो 3 साल 4 महीने होंगे। 1200 दिन का अगर साल बनाओगे तो कितने से भाग दोगे? 1200 दिन के अगर साल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 1200 दिन के साल हैं, हाँ 360 से भाग देंगे, 360 से भाग देंगे तो निकलता है 3 साल 4 महीना। तो 3 साल 4 महीना हुआ वहाँ का। यहाँ का 100 साल होता है तो वहाँ पर कितना होता है? 3 साल 4 महीना का समय होता है। तो 3 साल 4 महीने के लिए अर्यमा ने यमराज का कार्यभार संभाला। चूंकि पापियों को दंड देने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो, तथा चूंकि यमराज के स्थान पर अर्यमा को चुना गया, इससे पता चलता है कि अर्यमा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पितरों में अर्यमा उनकी विभूति हैं। अब दंड देने वालों में यमराज, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दंड देने वालों में यमराज श्री कृष्ण की विभूति हैं। भागवत 6:1-18 में बताया गया है कि सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान हैं। किसके समान हैं? ब्रह्मा जी के ही समान हैं, क्योंकि जब वे परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और ये समझ जाते हैं कि जीव अगले जन्म में किस तरह कर्म करेगा। तो यमराज जो है जीव के कर्मों को समझ जाते हैं, क्योंकि हृदय में वो जो है प्रवेश हो जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा। यमराज सामान्य जीव नहीं है, वे ब्रह्मा जी के ही समान हैं। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से उसके भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। जीवों के अगले जन्म के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा के द्वारा लिए जाते हैं और यमराज के द्वारा उनको पूरा किया जाता है। तो परमात्मा ही यमराज को बताते हैं कि इसको अगला जन्म कैसा दिया जाए। तो यमराज परमात्मा की आज्ञा से उसको जो है फिर भेजते हैं कि किस योनि में जन्म लेना है। भागवत के 6 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में
वर्णन आता है कि जिस समय विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को नरक ले जाने से रोक दिया, विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया कि वे यमराज को जो वे अजामिल को नरक ले जा रहे थे, तो विष्णु दूतों ने रोक दिया। उस समय यमदूतों ने यमराज के लिए कटाकर अपने संशय को प्रस्तुत किया कि अजामिल पापी होते हुए भी विष्णु दूतों के द्वारा नरक में जाने से रोक दिया गया। यमदूतों ने यमराज से शिकायत की कि विष्णु दूतों ने कितना अन्याय किया, हम अजामिल को नरक में लेके आ रहे थे, उन्होंने अपने बल से रोक दिया अजामिल को नरक में जाने से, है ना। उस समय यमराज ने यमदूतों को शिक्षा दी, हे मेरे प्रिय सेवको, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया किंतु मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ। यमदूत तो सी यमराज कहते हैं, तुम लोग मुझे सोचते हो कि मैं सर्वोच्च हूँ, लेकिन मैं सर्वोच्च नहीं हूँ। मेरे ऊपर इंद्र चंद्र आदि अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी और नियंता श्री कृष्ण है। संपूर्ण जगत उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक की रस्सी के द्वारा नियंत्रित होता है, जिस प्रकार बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को बस में करने के लिए उसके नथनों से निकालकर रस्सियां बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे गए अपने वचनों रूपी रस्सियों से बांधते हैं। मैं यमराज इंद्र वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य और अन्य ऋषिगण यद्यपि सतोगुणी हैं तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कार्यों को समझ नहीं सकते हैं। यमराज स्वयं कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग आँखों को नहीं देख सकते, क्या शरीर के अलग अलग अंग आँखों को नहीं देख सकते क्योंकि इनमें आँखें नहीं हैं। हाथ है आँखों को नहीं देख सकते, पैर आँखों को नहीं देख सकते, क्यों? इनके पास आँखें नहीं हैं। उसी प्रकार सारे जीव परमेश्वर श्री कृष्ण को नहीं देख सकते हैं जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं, उनके सेवक भी उनके ही समान रूप वाले हैं और पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक सदैव वितरण करते हैं। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं बिरले ही दिखाई देते हैं। असली धर्म का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ है, उसके रहस्य को देवता सिद्ध मनुष्य कोई भी नहीं जान पाते हैं। हे मेरे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। यमराज क्या करें यमदूतों से, हे मेरे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनके जीव श्री कृष्ण के नामों और गुणों का गान नहीं करती है, उन पापियों को मेरे स्थान में लाना। जिनके हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते हैं, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण एक बार भी नहीं होता है, तथा जिनके सिर एक बार भी श्री कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते हैं। यमराज की इस शिक्षा से हम समझ सकते हैं कि यमराज श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक में चार विभूतियों का वर्णन सुना है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं आपका प्रश्न, हरि बोल चालू कर दिया। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? विदुर जी को श्राप क्यों मिला? हाँ, विदुर जी को यानी यमराज को, बड़ा अच्छा प्रश्न है।
यमराज को साप क्यों मिला था? मांडव्य मुनि जो है अपने कुटिया में तपस्या कर रहे थे और राजा के महल में कुछ चोर ऐसे थे जो रोज चोरी कर रहे थे, तो राजा के महल में रोज चोरी हो रही है और चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। तो राजा ने एक बार अपने सब कर्मचारियों को कहा कि अगर इस बार चोर नहीं पकड़ा रात में तो तुम सब लोगों को मृत्युदंड दे दूंगा, है ना। तो फिर अब तो बड़ी चिंता होगी सबको कि चोर पकड़ना ही है, और इस बार भी रात में चोर आया और चोरी करके भागा, तो जो कर्मचारी हैं वो पीछे भागे। जब चोर ने देखा कि अब तो जो है मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मांडव्य मुनि के आश्रम के बाहर अपने चोरी का सामान छोड़ करके और भाग गया। अभी कर्मचारियों को जो है सामान वहाँ मिला मांडव्य मुनि के आश्रम में, और चोर भाग गया था, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मांडव्य मुनि को ही पकड़ लिया और राजा के महल में ले आए। बातें कौन बातें कर रहा है? ये सब्जी बाजार जैसा कौन आप लोग बातें कर रहे हैं? बिल्कुल शांत, सबको इशारा करिए चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है? सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो मैं क्या बता रहा था? राजा के पास महल में लाए कि महाराज चोर को पकड़ लिया है। अब राजा उस समय नींद में थे, तो उन्होंने कहा कि उसको सूली में चढ़ा दो। अब राजा की भी क्या गलती है, तो नींद में थे उनका सूली में चढ़ा दो। और ये जो सेवक थे राजा के, इनकी भी क्या गलती है कि अपनी जान बचाने के लिए मुनि को ले आए और अब राजा की आज्ञा से मुनि को सूली में चढ़ा दिया। अब मुनि को सूली में चढ़ा दिया, लेकिन वो तो बहुत तपस्वी मुनि थे, तो सूली में भी वो बड़ा कष्ट तो हुआ लेकिन मरे नहीं, और 3 दिन तक सूली में चढ़े रहे और मरे नहीं। तब राजा को समाचार मिला कि वो चोर नहीं थे, वो तो मुनि थे जिनको सूली में चढ़ाया गया है, और वो अभी भी जीवित हैं। अब राजा को बड़ी चिंता हो गई कि मुनि तो मुझे सांप दे देंगे, तो वो तुरंत आए दौड़ करके और मुनि के चरणों में गिरे कि मुझे क्षमा करिए कि बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। तो मांडव्य मुनि बोले, नहीं, अपराध किसी का नहीं है, चोर का अपराध नहीं है, चोर अपनी जान बचाने के लिए मेरे कुटिया के बाहर सामान छोड़ के भाग गया, तो चोर का अपराध नहीं है, आपके कर्मचारियों का अपराध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मुझे पकड़ लिया, है ना। तो अपराध आपका भी नहीं है, क्योंकि आप नींद में थे तो उस समय आपने कह दिया कि सूली में चढ़ा दो, जो भी हो आपका भी अपराध नहीं। अब जिसका अपराध है उसके पास मैं जाता हूँ। तो कहाँ गए? सीधे यमलोक में गए, यमराज के पास। यमराज बोले, आइए महाराज, बैठिए, आपका स्वागत है, कैसे आए? बोले कि बैठना नहीं है मुझे, मुझे ये पूछना है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिससे कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो यमराज जो है चित्रगुप्त से कहा कि महाराज का खाता निकालो, जरा देखें क्या है। तो चित्रगुप्त महाराज का खाता लाए मांडव्य मुनि का, उस खाते में लिखा था कि इन्होंने बचपन की अवस्था में एक कीड़े को कांटे से छेद दिया था, कांटा आर पार कर दिया, और उसके कारण इनको जो है ये दंड मिला कि सूली में चढ़ना पड़ा। तो मांडव्य मुनि बोले, गलत है, क्योंकि बचपन की अवस्था में तो मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था, तो इतने गलती का इतना बड़ा दंड मुझे मिला, तो मैं साफ देता हूँ कि आप 100 साल के लिए शूद्र बने। तो यमराज को जो है फिर अपना पद छोड़ना पड़ा 100 साल के लिए, और विदुर के रूप में जन्मे, और 100 साल जो है वो पृथ्वी में विदुर जी के रूप में रहे, ठीक है ना। इस तरह से जो है
उनको मांडव्य मुनि का श्राप मिला। और मांडव्य मुनि बोले कि अब से मैं ये नियम बनाता हूँ कि 14 साल की अवस्था तक जो है जो बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उनका जो है दोष नहीं बनेगा 14 साल की अवस्था तक, है ना। तो ऐसा मांडव्य मुनि ने फिर जो है ये नियम बना दिया। तो इस प्रकार से जो है मांडव्य मुनि को जो है इस कारण से सूली में चढ़ना पड़ा, लेकिन सूली में चढ़ने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी थे, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? जी माता जी। बलराम अनंत शेष नाम है क्या? है जी बलराम। बलराम हाँ हाँ बलराम जी जो है बलराम जी अपने मूल रूप में गोलोकधाम में निवास करते हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम जी वहाँ रहते हैं, गोलोकधाम में रहते हैं, हैं। लेकिन उनके जो है अंश विस्तार हैं शेष जी, और शेष जी कई स्थानों में शेष जी हैं। पृथ्वी के नीचे एक शेष जी हैं जो पृथ्वी का भार अपने एक फल में धारण कर रहे हैं, एक शेष जी वहाँ हैं। और दूसरे शेष जी हैं, दूसरे जो शेष जी हैं वो क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु शयन करते हैं उनके शैया बने हुए हैं, दूसरे शेष जी हैं। और तीसरे शेष जी हैं गर्व समुद्र में जो भगवान गर्भोदय विष्णु शयन करते हैं उनके शैया बने हुए हैं। और चौथे शेष जी हैं कारण समुद्र में, कारणोदय साई विष्णु जहाँ शयन करते हैं उनके शैया बने हुए हैं, है ना। इस प्रकार से चार शेष जी हैं। तो जब बलराम जी अपने धाम से जब आते हैं इस पृथ्वी में अवतार लेने के लिए तो बलराम जी के जो है सामने ही ये चारों के चारों शेष अपने अपने स्थानों से आकर के बलराम जी के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो बलराम जी के अंश हैं शेष जी, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूँ तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि नागों में अनंत शेष, नागों में अनंत शेष मेरी विभूति हैं। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था सर्पों में वासुकी सर्प मेरी विभूति हैं। तो अब कैसे समझें कि सर्प में वासुकी सबसे श्रेष्ठ हैं और नागों में अनंत शेष सबसे श्रेष्ठ हैं? तो सर्प और नाग में अंतर फिर क्या हुआ, कौन बताएगा? सर्प और नाग में अंतर क्या है? सर्प में वासुकी श्रेष्ठ हैं और नागों में शेष जी। नागों का शरीर विशाल होता है। हाँ, नागों का शरीर विशाल होता है, है ना। तो वो जो है नाग, और फणों के तो फण वाले तो एक फण वाले, दो फण वाले, चार फण वाले सर्पों में भी होते हैं और नागों में भी होते हैं। तो भी शेष नाग जी कितने फण हैं? अनंत शेष हैं। अनंत उनको जो कहा जाता है उसका अर्थ है कि उनका शरीर का अंत नहीं है, उनके मुख अनंत नहीं है, उनके मुख जो है अनंत नहीं है, उनके शरीर का अंत नहीं मिलता। सोचिए कितना बड़ा शरीर होगा उनका, अगर उनके हजार फणों में से एक फण में पूरी पृथ्वी सरसों के दाने की तरह रखी है तो कितने बड़ा उनका शरीर हो। तो इसलिए जो है नागों में जो है अनंत से सबसे बड़े नाग, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ हैं और नागों में अनंत श्रेष्ठ हैं। तो अंतर यही है कि सर्प से की तुलना में नागों का शरीर बड़ा विशाल होता है। हाँ जी बोलिए। मुझे समझना था कि तो माइक माइक हाँ एक ही है अनंत, उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके शरीर का अंत नहीं है।
शरीर इतना विशाल है कि शरीर का अंत नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, इनका प्रश्न है कि अगर शेष जी भगवान हैं तो क्या माता का द्रुष से प्रकट हुए? हाँ, माता का द्रुष से प्रकट हुए शेष जी जो है, माता का द्रुष से प्रकट हुए है ना। हाँ, वो जो है जैसे भगवान अवतार लेते हैं, हैं भगवान अवतार लेते हैं और भगवान भी जो है सब लोगों को धारण करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं, कभी शासन अवतार भी लेते हैं। उसी प्रकार से बलराम जी भी जब अवतार लेते हैं तो उनके जितने भी अंश हैं विस्तार हैं वो सब वहाँ पर आते हैं और बलराम जी के शरीर में लीन हो जाते हैं, है ना। लेकिन यही है कि अब आप कहेंगे शेष जी अगर वहाँ से चल करके आ गए तो फिर उस स्थान में कौन रहेगा? शेष जी फिर कैसे पृथ्वी का भार संभालेंगे? इसका एक उत्तर तो यही है कि अगर कुछ समय के लिए अगर शेष जी अगर पृथ्वी को छोड़ करके आ जाते हैं तो पृथ्वी कुछ समय के लिए अपने को किसी प्रकार संभाल लेती है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो शेष जी अगर वहाँ से अपने स्थान छोड़ करके अगर आए पृथ्वी में, उन्होंने जन्म लिया तो शेष जी को जो है कुछ समय के लिए अगर जन्म लिया उन्होंने तो वो पृथ्वी देवी जो है उस समय के लिए कैसी है, थोड़ा हिलेगी डुलेगी। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये कहा था कि पृथ्वी हिलती डुलती है, तो शेष जी जब नहीं थे पृथ्वी को संभाले हुए तो पृथ्वी फिर भी किसी प्रकार से बनी हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि आप शेष जी को कहा कि आप पृथ्वी को अपने शरीर में धारण करो, है ना, क्योंकि पृथ्वी बहुत हिलती डुलती है, तो काम तो चल ही रहा था। शेष जी ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया अपने शरीर में। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो शेष जी अपने स्थान को छोड़ करके अगर आ जाएं तो पृथ्वी जो है बिना शेष जी के भी क्या है वो बनी रहती है, थोड़ा हेल्दी डुलती रहेगी अलग बात है, लेकिन पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी देवी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर है वरुणो याद सामहम, जल चरों में वरुण, भगवान के जल चरों में वरुण सबसे श्रेष्ठ है। तो जल चरों में वरुण सबसे श्रेष्ठ हैं, सोचिए जितने भी जलचर हैं, जितने भी पानी के जीव हैं, उनको अपना स्थान का ही पता नहीं चलता कि कौन से स्थान में है। पानी के जितने जीव हैं उनको अपने स्थान का ही पता नहीं चलता। जमीन में तो फिर भी कुछ पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में आ गए, पानी में क्या कैसे पता चलेगा? पानी में कैसे पता चलेगा कि अभी पहले कौन से स्थान में थे और अब कौन से स्थान में आ गए? पानी में कैसे पता चलेगा? लेकिन वरुण देवता पानी में रहते हैं, उनका स्थान निश्चित है पानी के अंदर, वरुण देवता का स्थान। और वरुण देवता अगर किसी को बुलाना चाहें, किसी को बुलाना चाहें, मान लो आपको बुलाना चाहते हैं अपने लोक में, आपको बुलाना चाहते हैं, तो आपको केवल क्या करना है, जहाँ कहीं पानी हो, चाहे सरोवर हो, चाहे नदी हो, कहीं भी हो, आप अगर प्रवेश करेंगे तो वरुण देवता के लोक में पहुंच जाएं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि समुद्र में ही आपको जाना पड़ेगा, आप किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में आप प्रवेश करोगे, वरुण देवता के लोक में आप पहुंच जाओगे। तो प्राचीन काल में वरुण देवता ने एक बार यज्ञ किया था तो उनको 12 ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, पृथ्वी के 12 ब्राह्मणों को आवश्यकता थी। तो उनके जो पुत्र बंदी थे, वरुण देवता के पुत्र, वो जनक महाराज की सभा में आ गए और सभा में आ गए और बोले कि आप जो है बड़े विद्वान ब्राह्मणों को मेरे से शास्त्रार्थ कराइए, अगर अगर वे हार जाएं तो उनको जल में डुबा दिया जाए।
तो 11 ब्राह्मणों को जो है उन्होंने बंदी ने परास्त किया और उनको पानी में डुबा दिया गया। तो सब लोग ये समझे पानी में डुबा दिया गया मतलब वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। पानी में डुबा दिया गया तो वरुण लोक में वो पहुंच गए और वरुण देवता का यज्ञ करा रहे हैं। तो अष्टावक्र के पिता थे कहोड़ मुनि, उनको भी बुलाया गया और कहोड़ मुनि को भी परास्त करके कहोड़ मुनि को भी परास्त करके पानी में डुबा दिया गया। तो जब कहोड़ मुनि को पानी में डुबा दिया गया उसके बाद अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ। अपने माता के गर्भ से अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ। तो अष्टावक्र मुनि को जब पता चला कि मेरे पिता को बंदी ने परास्त करके पानी में डुबाया, तो वो जो है राजा जनक की सभा में आए और कहा कि मुझे बंदी से शास्त्रार्थ करना है। तो ठीक है शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो बंदी से शास्त्रार्थ किया और बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब जो है अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि बंदी को पानी में डुबाइयो, डुबा दो, क्योंकि इसने मेरे पिता को पानी में डुबवाया है। तो बंदी बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपके पिता को और भी जो बाकी 11 ब्राह्मणों को किसी को मैंने मरवाया नहीं है, मैंने अपने पिता के लोक में भेजा है कि मेरे पिता का वरुण देवता का यज्ञ चल रहा है, उसमें 12 ब्राह्मणों की आवश्यकता है और आप मुझे डुबाना चाहते हैं, तो आप मैं तो खुद ही पानी में डूब जाता हूँ और अपने पिता के पास पहुँच जाऊँगा और फिर पानी से वो जितने 12 ब्राह्मण जो डुबाए गए हैं वो वापस आ जाएंगे कि मेरे पिता का यज्ञ पूरा हो गया है। तो वरुण देवता की जो है इतनी शक्ति है, अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं कि भाई हमारा ये काम करो है, तो आपको केवल कहीं भी जाओ, किसी सरोवर में, नदी में, समुद्र में, कहीं भी आप पानी में डूब जाओ, वरुण देवता के लोक में आप पहुंच जाएंगे। वरुण देवता के लोक पहुंच जाएंगे, पानी के अंदर ही उनका लोक है, लेकिन आपको बड़ी सुविधा मिलेगी, बहुत सुख सुविधा मिलेगी। पानी के अंदर तो वैसे आप जाएंगे तो पानी में आप श्वास नहीं ले सकते, मर जाएंगे। लेकिन वरुण देवता के लोक में आप पहुँच जाएंगे, वहाँ किसी प्रकार की भी जो है आपको बाधा नहीं होगी, बड़े सुख और सुविधापूर्वक आप वहाँ रह सकते हैं। वरुण देवता का लोग ऐसा है। तो जल चरण में वरुण देवता विशेष है। आप अंतिम प्रश्न आप बोलिए। समुद्र देव और वरुण देव, जैसे वरुण देव जल के देवता है, हाँ, समुद्र देव और उनमें क्या अंतर है? अंतर है, समुद्र का देवता जो है अलग है और वरुण देवता समुद्र के देवता है या पानी के जल के देवता है। वरुण देव जो है जल के देवता हैं और समुद्र जो है एक विशेष जो है वो देवता है, जो कि वो इतनी बड़ी जल राशि का जो है वो देवता है, ठीक है ना। तो समुद्र देव देवता अलग है, वरुण देवता अलग है, ठीक है। श्रेष्ठ है कोई, बड़ा है, छोटा है, तो जैसे हाँ वरुण देवता तो लोकपाल हैं, विशेष उनका बहुत अधिकार है, समुद्र से वो वरुण देवता ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।